Hello student, now in today's video, limit of sum type number 2, limit of sum type number 2, sum थोड़े interesting है, थोड़े heavy है, method याद रखना है, अगर एकाध sum homework में जो दे रखा है, वो आपसे नहीं हुआ, तो inform me, आप हम revision में उसको continue करेंगे, Saturday का जो revision है, वो सैटरडे के रिवीजन में वो कंटिन्यू करेंगे. तो हम बेसिकली दो सम ले रहे हैं, प्रॉपरली मेथड फॉलो करना है, फॉर्मूला फॉलो करना है, होमवर्क के सम प्रॉपरली करना है. मेथड एक ही है, मेथड से अलग नहीं करना है. फिर भी कुछ होमवर्क करने में गड़बड़ हुआ तो यही टॉपिक का हम सैटरडे को रिवीजन लेंगे. तो डोंट वरी अबाउट दिस कि भाई होमवर्क में जो सम है थोड़े हार्ड हो रहे हैं. तो प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, हम सैटरडे के रिवीजन में यही सम को रिपीट करेंगे. तो टाइप टू के सम ले रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन गुजराती सम गुणोत्तर श्रेणी. ये जो हम टाइप टू ले रहे हैं वो दो फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी और सम गुणोत्तर श्रेणी, और एक लिमिट का फॉर्मूला है. तो मैं उस साइड पर लिख रहा हूं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर रेस टू एन माइनस वन, दिस इज जीपी. जो दो टर्म्स है वो दो टर्म्स का डिवीजन सेम हो, यानी रेशियो सेम है, तो वो है जीपी. एंड सम ऑफ जीपी, nth टर्म का सम ऑफ जीपी क्या होता है, तो ए विच इज फर्स्ट टर्म. ये दो टर्म का रेशियो दैट इज सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट आर, तो ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. तो एक हम जीपी के n टर्म्स का एडिशन लेंगे जो हमको रिक्वायर्ड होगा, और दूसरा होगा H tends to zero limit A raise to H minus 1 upon H, that is log A to the base E, or H tends to zero limit E raise to H minus 1 upon H, that is log E to the base E, yani 1. तो दोनों सेम ही फॉर्मूला है. अगर पर्टिक्यूलर E है तो e टू द बेस e दैट इज 1, बट वो a है, मीन्स डिफरेंट फ्रॉम e है, तो log a टू द बेस e. ये दोनों हार्ट है, ये जो टाइप 2 है ये दोनों ये मेथड के हार्ट है. जैसे फर्स्ट मेथड के अंदर हमने देखा था सिग्मा वाले फॉर्मूला, इसमें ये दोनों फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस है. एक सम ले रहे हैं माइनस 1 टू 1 e रेस टू x dx, फाइंड लिमिट ऑफ सम. सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर विथ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ऑलमोस्ट लास्ट टाइम टाइप 1 जैसी ही मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो देखना है. तो कंपेयर विथ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, a equals to minus 1, b equals to 1, f of x equals to e raised to x. Now, h equals to b minus a upon n, that is 1 minus minus plus 1 upon n. So, this is n h equals to 2. आगे वाली मेथड में जब पॉलिनोमियल हमने हैंडल किया, पॉलिनोमियल में लीनियर लिया, क्वाड्रेटिक लिया, क्यूबिक भी लिया, तो हमको जरूरत पड़ी h इक्वल्स टू व्हाटएवर टर्म्स. यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी n h इक्वल्स टू 2. नाउ आफ्टर दिस f ऑफ a प्लस ih, एंड ओवर हियर दिस इज f ऑफ माइनस वन प्लस आई एच, एंड दिस इज ई रेस टू माइनस वन प्लस आई एच, एंड दिस इज ई रेस टू माइनस वन इन टू ई रेस टू आई एच, एंड दिस इज ई रेस टू आई एच अपॉन ई.
तो ये हमारा हो गया बेसिकली एफ ऑफ ए प्लस आई एच फॉर्म, सेम टाइप है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो हमारा बेसिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मेथड को वैसे चलाना है। ध्यान से देखो, मेथड इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपेयर ऑलवेज इससे करना है। अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन ए बी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस आई एच या एच कुछ डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज मेथड तो वही है। नाउ एफ ऑफ ए प्लस आई एच, उसके बाद फॉर्मूला इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ इट इज एक्सपोनेंशियल, इफ इट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, या तो e रेस टू x फॉर्म, या तो a रेस टू x फॉर्म, या तो 2 रेस टू x फॉर्म, मींस कांस्टेंट बेस के ऊपर वेरिएबल, कांस्टेंट बेस के ऊपर वेरिएबल, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेसिकली हमारा जो टाइप 2 है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर डिपेंड करता है। तो a टू b f ऑफ x dx, the formula is h tends to 0 limit h sigma I 1 to up to n f of a plus i x। student formula को ध्यान से observation करो, polynomial में होता है n tends to infinity, और यहां पर formula पूरा वही है, the difference is h tends to 0, n tends to infinity for the polynomial for the type 1 and h tends to 0 type 2 for exponential function. Now this is the formula, minus 1 to 1 f of x means e raised to x dx equals to h tends to 0 limit h sigma I 1 to up to n, this is e raised to ih upon e। सब्स्टिट्यूट करना है f of a plus ih। थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा कमांड चाहिए, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। मेथड इजी है लेकिन थोड़ी लेंथी है, और कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, तो प्रॉपर कमांड होना जरूरी है। नाउ दिस इज 1 अपॉन e, कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको आउटसाइड ले लेते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। h टेंड्स टू 0 लिमिट h, h को अभी छेड़ना नहीं है, उसको बाद में छेड़ना है। हियर इट इज e रेस टू h प्लस e रेस टू 2h प्लस अप टू प्लस e रेस टू nh। सिग्मा को e रेस टू आई एच पर एक्सपांड किया, e को तो हमने आउटसाइड बाहर निकाल दिया। सो दिस इज 1 अपॉन e, h टेंड्स टू 0 लिमिट h, एंड हियर दिस इज द जीपी। प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करो, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट या थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड, द रेशियो इज सेम, e रेस टू h। नाउ ए टर्म इज, ये फॉर्मूला को याद करो, ये फॉर्मूला को याद करो, द ए इज ई रेस टू एच, आर भी ई रेस टू एच है, तो ई रेस टू एच होल रेस टू एन, माइनस वन अपॉन ई रेस टू एच माइनस वन। स्टूडेंट दिस इज जी पी, दिस इज जी पी, एंड इन दिस जी पी योर ए टर्म इज ई रेस टू एच, and your r term is second divided by first, third divided by second, that is e raised to h, and this is the sum of gp। now properly usko set karte hain, 1 upon e, h tends to 0 limit, now this is e raised to h, e raise to nh minus 1 upon e raise to h minus 1 upon h। h को denominator upon denominator लिया, जो numerator हो जाएगा। तो हमने यहां पर जो simplification करना है according to ये वाला terms करना है, तो ये वाले term को properly mind में रखो,
h tends to 0 limit e raised to h minus 1 upon h, that is log e to the base e equals to 1. तो हमने कॉन्सेंट्रेट किया टर्म्स को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कन्वर्ट किया है एच को डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड पावर ऑफ द पावर पावर विल बी मल्टीप्लाई ई रेस टू एन एच. नाउ एन एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है दैट इज 2. इंपॉर्टेंट मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है और फुल्ली कमांड होना चाहिए बेसिक टर्म्स पे. तो ये हो गया e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e. यहां पर ये जो होगा nh की वैल्यू 2, तो e स्क्वायर माइनस 1 जो कांस्टेंट टर्म हो गया अकॉर्डिंग टू h टेंड्स टू 0, तो मैंने आउटसाइड ले लिया. लिमिट में जब भी आप वर्क करो और आपको जो कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं उसको बाहर निकालते जाओ तो प्रोसीजर थोड़ा इजी हो जाएगा. अब मैं लिमिट को कोशेंट यानी कि डिवीजन में एक्सपांड कर रहा हूं, तो h टेंड्स टू 0 लिमिट e रेस टू h अपॉन h टेंड्स टू 0 लिमिट e रेस टू h माइनस 1 अपॉन h. नाउ स्टूडेंट वेरी क्लियर है प्रॉपरली जो लिमिट ऑफ सम है उसकी खासियत ये है कि आप डायरेक्टली सम को ऑब्जर्वेशन करोगे तो सम बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझ के आप आगे जाओगे तो सम में बेसिक है, कुछ हैवी टर्म्स नहीं है. नाउ दिस इज ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई इनटू ई रेस टू 0, लिमिट एंटर करो, देयर इज नो डिनोमिनेटर एंड हियर लॉग ई टू द बेस ई, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1. So the answer is e square minus 1 upon e, that is e minus 1 upon e. So student, ye hua hamara limit of sum type 2, jo exponential hai. This is the basic formula, sum of n terms in GP mind mein hona hi chahiye and limit ke ye do formula mind mein hone chahiye. Method mein koi different nahi hai, method jo karte hain wo hi hai. सबसे पहले कंपैरिजन ए बी फंक्शन एच, यहां पर एच प्योर यूज नहीं होता है, एनएच के फॉर्म में होता है. एफ ऑफ ए प्लस आई एच पर्टिकुलर फाइंड करना है, फॉर्मूला में चेंज है एच टेंस टू 0, टाइप 1 में एन टेंस टू 0 है. सिग्मा को ओपन करो आपको जीपी दिखेगा, जीपी के अंदर एन टर्म्स फाइंड करेंगे, वो एन टर्म्स को पर्टिक्यूलर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 ये दो फॉर्मूला में से एक में सेट करेंगे तो हमको ये क्लियरली ऑब्जर्वेशन मिलेगा. लिमिट एंटर करके फॉर्मूला लगा के आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट दूसरा सम ले रहे हैं, ये सम हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये गुजरात बोर्ड में से हमने ले रखा है और मैक्सिमम वेराइटी ये टाइप में ये हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी वैरायटी नहीं हो सकती है. नाउ सेकंड सम इंटीग्रेशन लॉग 2 टू द बेस a टू लॉग 4 टू द बेस a a रेस टू x dx, a रेस टू x इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज टाइप 2. करना क्या है, स्टेटमेंट देखकर घबराना नहीं है, स्टेटमेंट देखकर हमको हमारी ओरिजिनल मेथड याद करनी है. कंपेयर विथ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए इक्वल्स टू लॉग 2 टू द बेस ए, बी इक्वल्स टू लॉग 4 टू द बेस ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स एंड यहां पर h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n, दैट इज log 4 टू द बेस a माइनस log 2 टू द बेस a अपॉन n. तो ये हो जाएगा n h इक्वल्स टू log 4 बाई 2 टू द बेस a, दैट मीन्स log 2 टू द बेस a. डिवीजन रूल अप्लाई किया, बेस सेम है बीच में माइनस है लॉग लॉग, तो डिवीजन रूल
and h equals to log 4 upon 2 to the base a, that means finally log 2 to the base a. Now f of a plus ih, that is f of log 2 to the base a plus ih, f of a plus ih, that is f of log 2 to the base a प्लस आई एच यानी ए रेस टू एक्स के प्लेस में होगा लॉग टू टू द बेस ए प्लस आई एच. नाउ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देंगे तो ये हो जाएगा ए रेस टू लॉग टू टू द बेस ए इन टू ए रेस टू आई एच. स्टूडेंट बेस सेम पावर एडेड इन मल्टीप्लीकेशन वो रूल परफॉर्म किया है. नाउ लॉगरिथम का सबसे अच्छा रूल, लॉगरिथम का सबसे पावरफुल रूल, द आंसर इज टू टाइम्स ए रेस टू आई एच. तो फाइनली ए प्लस आई एच लॉग टू टू द बेस ए प्लस आई एच सब्सिट्यूट किया, सिंप्लीफिकेशन दिया तो ये ए रेस टू लॉग टू टू द बेस ए दैट इज टू into a raised to ih. Now formula substitute करेंगे a to b, f of x dx equals to h tends to 0 limit h sigma I 1 to up to n f of a plus ih. तो यहां पर ये होगा log 2 to the base a log 4 to the base a raised to x dx equals to h tends to 0 limit h sigma I 1 to up to n, this is 2 into a raised to ih. 2 outside ho jayega, h tends to 0 limit h and sigma ko expand karenge to a raised to h plus a raised to 2h plus a raised to 3h up to plus a raised to nh. Now this is 2 times h tends to 0 limit h and this is gp. A is a raised to h, r is a raised to h whole raised to n minus 1 upon a raised to h minus 1. याद करो दिस इज द जीपी, योर ए टर्म्स इज ए रेस टू एच, योर आर टर्म इज सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट दैट इज आल्सो ए रेस टू एच. प्रॉपरली प्लानिंग से थोड़ा एक्सपांड करते हैं तो एच टेंस टू जीरो लिमिट ये हो जाएगा ए रेस टू एच, ये हो जाएगा ए रेस टू एन एच माइनस वन अपॉन डिनोमिनेटर, अपॉन डिनोमिनेटर में h को लेके आते हैं अपॉन h. नाउ nh की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं सो दिस इज टू टाइम्स nh की वैल्यू है हमारे पास log 2 टू द बेस a, तो ये हो जाएगा हमारा a रेस टू log 2 टू द बेस a माइनस वन, ये पार्ट हमारा आउटसाइड निकल जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा इनटू एच टेंस टू जीरो लिमिट ए रेस टू एच अपॉन एच टेंस टू जीरो लिमिट ए रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच. दिस इज टू टाइम्स टू माइनस वन, वंस अगेन वही फॉर्मूला यूज हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू टू. So 2 times 2 minus 1 and here it is a raised to 0 upon log a to the base e. So this is 2 times 1 upon log a to the base e. तो इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं, इनवर्स लेते हैं तो 2 times log e to the base a. तो ये हमारा फाइनली सम हुआ जहां पर हमने a रेस टू x फॉर्म लिया जिसकी लिमिट इन टर्म्स ऑफ log लिया. स्टूडेंट हमने असाइनमेंट में पॉलीनोमियल और एक्सपोनेंशियल का कंबाइंड सम भी दे रखा है, तो करना क्या है, लिमिट लेना है
और पॉलीनोमियल है उसमें एन टेंस टू इंफिनिटी देना है और एक्सपोनेंशियल है उसको देना है एच टेंस टू जीरो। असाइनमेंट में प्रॉपरली सॉल्व कर रखा है उसको आपको फॉलो करना है। स्टूडेंट ध्यान रखना है मेथड इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पॉलीनोमियल और एक्सपोनेंशियल दोनों एक साथ में आते हैं तो फॉर्मूला पर्टिकुलर रखना है, जो मेथड है वैसे ही फॉलो करना है। बट जब आप ये वाला टर्म्स वहां रखोगे तो पॉलीनोमियल के लिए देना है एन टेंस टू इंफिनिटी और एक्सपोनेंशियल के लिए देना है एच टेंस टू जीरो। होमवर्क प्रॉपरली परफॉर्म करना है। होमवर्क में डिफिकल्टी आएगी तो वो डिफिकल्टी हम सैटरडे के रिवीजन वीडियो में सॉल्व कर देंगे। पर्टिकुलर हार्ड वर्क करना है।